देखिए लोग ये तो जानते हैं कि ट्रेन में S1 S2 ये क्या होता है। S1 का मतलब होता है स्लीपर कोच, लोग इसको बहुत आसानी से पहचानते भी हैं। लोग B1 B2 B3 कोच को पहचानते हैं कि ये AC 3 टीयर कोच होता है। लेकिन साथियों जब बात आती है M1 M2 M3, यार ये किस टाइप के कोच हैं, ऐसे में पैसेंजर हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि यार उन्होंने कभी M1 M2 M3 कोच का तो नाम ही नहीं सुना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कोच क्या होते हैं और किस तरह के कोच होते हैं। ये नए तरह कोच हैं, कैसे कोच हैं, M1 M2 M3, ये इस तरह के जो कोचेस होते हैं। देखिए साथियों ट्रेन में अब AC 3 टीयर इकोनॉमी के कोचेस भी लगे होते हैं। देखिए जैसे AC 3 टीयर कोच होता है, सेम उसी तरह का AC 3 टीयर इकोनॉमी कोच भी होता है। आपने हो सकता है देखा भी हो और हो सकता है कि आपने यात्रा भी करी हो, लेकिन बहुत सारे पैसेंजर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो अक्सर वो कन्फ्यूज होते हैं कि यार ट्रेन में तो स्लीपर कोचेस होते हैं, AC 3 टीयर कोचेस होते हैं, AC 2 टीयर कोचेस होते हैं, लेकिन यार ये AC 3 टीयर इकोनॉमी कोच कहाँ से आ गया, जिसे M1 M2 M3 से डिनोट किया जाता है। देखिए M1 M2 M3 ये होते हैं AC 3 टीयर इकोनॉमी कोच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होते तो AC 3 टीयर की कोचेस की तरह हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है AC 3 टीयर के कोच के साथ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। इसमें ना सीटें ज़्यादा होती हैं सबसे पहली चीज़, तो AC 3 टीयर इकोनॉमी कोच में AC 3 टीयर से ज़्यादा सीटें होती हैं और सीटें थोड़ा सा लाइक कम चौड़ाई होती है इसकी और थोड़ा सा लेग स्पेस भी कम होता है। अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा होता है लेकिन थोड़ा सा स्पेस इसमें कम होता है और कंजेस्टेड थोड़ा सा होता है। तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट वैसे ही होता है, एक एक रो में 3 सीटें होती हैं और साइड में साइड लोअर बर्थ और साइड अपर बर्थ होती है, वैसे ही जैसे AC 3 टीयर में होता है। तो M1 M2 का सिंपल मतलब है साथियों AC 3 टीयर इकोनॉमी कोच, और बहुत सिंपल है, नो प्रॉब्लम। इसकी जो बुकिंग होती है वो 3E क्लास में होती है, AC 3 इकोनॉमी क्लास में होती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि M1 का मतलब होता है AC 3 टीयर इकोनॉमी फर्स्ट कोच, इसी तरह M2 का मतलब होता है AC 3 टीयर इकोनॉमी सेकेंड कोच। तो ऐसे करके ये सीरियल वाइज चलता रहता है। तो M1 M2 M3 वगैरह ये है AC 3 टीयर इकोनॉमी कोच। तो इस वीडियो में हमने जाना कि M1 M2 M3 कोच वगैरह क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।